आज मैं आप सबको मटर पनीर का रेसिपी बता। सबसे पहले पनीर लेना है, ये घर का बना हुआ पनीर है मेरा, आप बाहर का भी ले सकते हैं। उसके बाद मटर लेना है, ये देहाती मटर है, मार्केट से लाई हूँ। उसके बाद टमाटर काट लेना है। उसके बाद प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाना है, यहाँ पे प्याज लहसुन का पेस्ट बनाना है। उसके बाद हल्दी, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च और नमक लेना है। और ये है मटर पनीर मसाला। अब गैस के ऊपर कढ़ाई को चढ़ा दिए और कढ़ाई गरम हो गया था, और यहाँ पे हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। और सरसों का तेल को पूरे अच्छे तरह से खड़ा होने दीजिए, इसमें हल्का सा धुआं निकलना चाहिए। तेल पूरी तरह से गरम हो गया और अब हम इसमें पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं, मतलब हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा भी लाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसे फ्राई कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्राई हो रहा है, आप लोग खुद ही देखिए। सारे पनीर को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसको हम प्लेट में निकाल लिए हैं, और इसमें जीरा और एक तेज पत्ता डाल दिए हैं, और इसे तेल में अच्छी तरह से पकने देंगे, थोड़ा सा इसे फूटने देंगे। अब इसमें हम प्याज और लहसुन का जो पेस्ट बनाए हैं वो मिला देंगे, और इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई होने देंगे, डीप फ्राई, ताकि इसमें जो लहसुन और प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाए पूरी तरह से। आप देख सकते हैं इसको लगातार 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहिएगा। उसके बाद इसमें हम जो टमाटर का प्यूरी बनाए हैं वो डालेंगे। टमाटर का प्यूरी मिलाने के बाद इसको हम अच्छे तरह से 5 मिनट तक लगभग ऐसे ही चलाते रहेंगे लगातार, और इसको फिर हम ढक देंगे ताकि अच्छे से पक जाए, जो भी इसमें कच्चापन रहे प्याज का, लहसुन का या टमाटर का वो नहीं आए स्वाद में, इसलिए इसको ढक देंगे अच्छे से 5 मिनट के लिए। और यहाँ पे 5 मिनट हो गया है, 5 मिनट होने के बाद इसको चलाएंगे और इसमें जो भी मसाला है वो डाल देंगे सारा, और फिर सारे मसाले को मिला करके फिर से लगभग 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करते रहना है। जो भी मसाला अच्छी तरह से पकना चाहिए, क्योंकि मसाला ही मेन होता है। अगर मसाला अच्छे से पकेगा तो ही इसका स्वाद बढ़ेगा। फिर से इसको ढक दीजिएगा 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट यहाँ पे हो गया है। सारे मसाले को अच्छे से पकाने के बाद इसमें हम कच्चा हरा मटर डाल देंगे, जो मार्केट से लाया हुआ देहाती मटर है, और मटर को मसाले के साथ लगभग 5 से 7 मिनट तक लगातार फ्राई करते रहिएगा। बीच में थोड़ा सा इसको ढक भी दीजिएगा, ताकि ढकने पे मटर अच्छी तरह से पक जाए, ताकि इसमें जो भी ये कच्चापन का मटर में स्वाद नहीं आए। 5 मिनट तक मटर को मसाले में फ्राई करने के बाद इसमें हम मटर पनीर मसाला जो मार्केट में मिलता है वो मिला रहे हैं, ताकि इसका स्वाद और भी निखर कर के आए। अब इसमें हम पानी मिला देंगे। पानी आप अपने अनुसार मिलाइएगा, जितना क्वांटिटी है उस अनुसार से गाढ़ा या पतला ग्रेवी रखना, वैसे पानी इसमें आप मिला दीजिएगा। और फिर पानी मिलाने के बाद इसको लगभग 2-3 मिनट तक इसमें एक उबाल आने दीजिएगा। उबाल आ जाएगा तभी इसमें हम पनीर डालेंगे। पानी डालने के बाद अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला देंगे, और मिला करके इसमें एक उबाल आ जाएगा। उबाल आने के बाद अब इसमें हम पनीर मिला देंगे, जो पनीर फ्राई करके रखे हैं। और पनीर मिलाने के बाद लगभग इसको 1 से 2 मिनट तक इसको पकने दीजिएगा अच्छी तरह से, ढक करके थोड़ा सा पकाइएगा, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ करके आए।
फाइनली सुपर टेस्टी लाजवाब मटर पनीर बन करके तैयार हो गया और इसको हम रोटी के साथ खा रहे हैं। आप भी अपने घर में ट्राई करिएगा। अगर मेरा वीडियो आप सबको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।